मंगलवार को आफताब की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, इसलिए दिल्ली पुलिस उससे पहले ही नार्को टेस्ट कर लेना चाहती है। इसके लिए जांच टीम ने 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है। शुरुआत के 20 सवाल बेसिक होंगे, जिसमें आफताब के नाम, पता और परिवार से जुड़ी जानकारी पूछी जाएगी, लेकिन उसके बाद मर्डर से जुड़े तीखे सवाल होंगे, जैसे 18 मई को क्या हुआ था, झगड़ा किस बात पर हुआ था, श्रद्धा की लाश के टुकड़े कहां कहां पर फेंके, श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां पर है, खून से सने कपड़े कहां पर हैं, हथियार कहां पर फेंका, लाश के टुकड़े कितने दिन तक जंगल में फेंकते रहे, क्या हत्या के लिए ही किराए पर घर लिया था। इस टेस्ट को करने के लिए कितना समय लगता है मैम? ये भी डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या सब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन रिवील करनी है, और उससे पहले जो प्रीवियस टेस्ट है उसमें कितना समय लगेगा। नार्को टेस्ट से मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस के लिए केस को सुलझाना थोड़ा आसान हो सकता है।